पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड कप 2023 के मैच नंबर 31 में पाकिस्तान की टीम की गेंदबाजी बांग्लादेश के खिलाफ बेहतरीन रही, क्योंकि उनके सभी तेज गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार तरीके से विकेट चटकाई। देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम से कुछ ऐसी ही उम्मीद की जा रही थी कि पूरे वर्ल्ड कप में मैच खेलेंगे, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में तो ना सही, लेकिन इस मुकाबले में ही सही गेंदबाजी देखने को मिली। पाकिस्तान की टीम वैसे उम्मीद खो चुकी है कि वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाए, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि इज्जत बचाने के लिए अब अपने सब मुकाबले जीत कर ही जाना चाहेगी और बाकी टीमों का भी खेल बिगाड़ना चाहेगी। देखा जाए तो पाकिस्तान के अगले कुछ मुकाबलों की भी चर्चा करेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में, लेकिन इसी के साथ साथ बात करेंगे इस मुकाबले की कि कैसे बांग्लादेश की टीम के लिए भी ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बांग्लादेश काफ़ी सालों से काफ़ी बार से बांग्लादेश वर्ल्ड कप में हिस्सेदारी लेती है, लेकिन कुछ ज़्यादा उनका हाथ नहीं लगता सफलता। लेकिन अफगानिस्तान की टीम इस बार आई और अफगानिस्तान की टीम ने 3 जीत दर्ज कर ली बड़ी टीमों को हराकर, तो वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो वही कुछ बांग्लादेश से भी उम्मीद की जा रही थी। तो चलिए सारी जानकारी देते हैं कि आगुश मैदान पर घटा किस तरीके से पहला इनिंग रहा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो आप सभी को बता दें कि पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश के बीच ये शानदार मैच है वो खेला गया कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर, जहां पर हमें देखने को मिला कि बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कुछ बदलाव के साथ थी, जिसमें इमाम उलहक, हसन अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज जैसे 4 खिलाड़ी बेंच पर थे। तो वहीं अब्दुल्ला शफीक, फकार जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सौद शकील, इफ्तिकार अहमद, अगन आगा, सलमान, शाहीन अफरीदी, उसामा मीर, मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस रौफ देखने को मिले। तो बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की बात करें तो नसूर महमद, हसन महमूद, तंजीन हसन जैसे खिलाड़ी बेंच पर थे और इनकी प्लेइंग 11 में लिटन दास, तंजीद हसन, नजमुल होशन शेंटो, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्ला, चौबेद हिरदय, मेहदी हसन मिराज, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शौरिफुल इस्लाम हमें देखने को मिले। अब पहले पाकिस्तान की टीम गेंदबाजी कर रही थी, बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो 204 रन पे ही ऑल आउट हो गई पूरी की पूरी टीम। 45 ओवर तक बल्लेबाजी करी, 46वें ओवर की पहली गेंद पर बांग्लादेश का आखिरी विकेट गिर जाता और इस तरीके से बांग्लादेश की टीम वापस पवेलियन जाती है सिर्फ 204 रन बनाकर। 205 रन पाकिस्तान को बनाने हैं, जो कोई बड़ा स्कोर तो नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की अगर खिलाफ देखा जाए तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी की भी काफ़ी अग्नि परीक्षा रहने वाली है इस मैदान पर। लेकिन बात करें आखिरी के 3 विकेट की, 200 रन पर स्कोर था तब 8 विकेट थी, उम्मीद करते थे कि यहाँ से 40-50 रन और बन सकते थे, लेकिन मेहदी हसन मिराज, फिर तस्कीन अहमद, फिर मुस्तफिजुर ज़्यादा रन नहीं बनाए, सब 3-2-1 रन बनाकर आउट हो गए वसीम जूनियर की गेंद पर। लास्ट में 3 विकेट वसीम ने लिए और वो मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि बीच में तो कुछ रन बने थे, शुरुआत में तो पहले ही ओवर से ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम काफ़ी हावी थी और उसमें शाहीन अफरीदी का बड़ा भूमिका था, क्योंकि शाहीन अफरीदी जानते ही आप किस आला दर्जे के गेंदबाज हैं। शाहीन अफरीदी ने इस वर्ल्ड कप में निराश नहीं किया है, बाकी मतलब बाबर आजम उतना खास प्रदर्शन नहीं किए, लेकिन शाहीन अफरीदी ने अपना काम किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी हर मैच में उन्होंने विकेट चटकाई है। तंजीद हसन पहले ही ओवर में बिना खाता खोले LBW आउट हुए, फिर उसके बाद लिटन दास की बात करें तो 64 गेंद में 45 रन इन्होंने बनाए थे, अच्छी पारी खेल रहे थे, बड़ी पारी में तब्दील कर सकते थे, लेकिन 6 चौके मारे थे और इफ्तिकार अहमद के हाथों शिकार हुए। लेकिन इस बीच काफ़ी और विकेट गिरे थे, जिसमें शेंटो की बात कर रहे तो 3 गेंद में 4 रन बनाकर वो पवेलियन गए, मुशफिकुर रहीम ने 8 गेंद में 5 रन बनाया, हारिस रौफ ने इनका विकेट लिया, कैच पकड़े रिजवान ने, तो यहाँ से बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन फिर इसके बाद महमूदुल्ला को आज ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी के लिए भेजा और उन्होंने अच्छी पारी बिल्ड करी, जहां पर 23 रन पर 3 विकेट थे, फिर उसके बाद 102 रन पर 4th विकेट आया, यानी थोड़ी पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी। इस बीच लिटन दास ने 45 रन जोर बनाए थे 64 गेंदों में, फिर उसके बाद महमूदुल्ला ने अपना अर्धशतक कंप्लीट किया, एकमात्र बल्लेबाज जो बांग्लादेश के लिए इस मैच में अर्धशतक बनाए, 70 गेंद वो भी ली, 56 रन बनाए, 6 चौके, 1 छक्के की बदौलत शाहीन अफरीदी ने भी इनको चलता किया, शाकिब अल हसन ने भी 64 गेंद में 43 रन की अच्छी पारी खेली, हारिस रौफ ने इनको चलता किया, आगा सलमान ने इनको कैच पकड़ा था, 4 चौके इस दौरान शाकिब के बल्ले से आए थे, चौबेद हिरदोय की बात करें तो 3 गेंद में 7 रन, 1 छक्के की बदौलत मारा था, बड़ी पारी खेलते तो अच्छा रहता क्योंकि तेज पारी खेलने के चक्कर में अपनी विकेट गंवा दी। फिर इसके बाद देखा जाए तो मेहदी हसन मिराज ने 30 गेंद में 25 रन, 1 चौके, 1 छक्के की बदौलत मारा था। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश की टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन महमूदुल्ला ने ही मारे, 56 रन की पारी खेली। शाहीन अफरीदी गेंदबाज लाजवाब थी, 9 ओवर में 1 मेडन ओवर के साथ 23 रन दिए और 3 विकेट चटकाए। तो मोहम्मद वसीम जूनियर ने 8.1 ओवर में 1 मेडन ओवर के साथ 31 रन दिए और 3 विकेट चटकाए। उसामा मीर ने 1 विकेट चटकाई, इफ्तिकार अहमद ने 1 विकेट चटकाई, हारिस रौफ ने 2 विकेट चटकाई। तो इस तरीके से बांग्लादेश की टीम 204 रन पर सिमट गई, सिर्फ 204 रन पर ऑल आउट हो गई।
लेकिन बात करें पाकिस्तान की टीम की, तो पाकिस्तान की टीम के पास बल्लेबाजी है, लेकिन अब देखते हैं क्या कुछ करते हैं, क्योंकि इमाम उलक और अपने नवाज की बात कर ले या शदाब की बात कर रहे हैं, उन सब खिलाड़ियों पर भरोसा न जताते हुए उनको बेंच पर बैठा दिया गया। पाकिस्तान के अगले कुछ मैचों की तरफ नजर उड़ाएं या फिर पॉइंट्स टेबल की तरफ नजर उड़ाएं तो पाकिस्तान अपने पिछले 4 मैच लगातार हारी है। इंडिया से हारने के बाद वे लगातार अपने मैच हारी है। शुरुआती कुछ मुकाबले 2 जीती थी, फिर उसके बाद 4 मैच लगातार हारी। और बांग्लादेश का भी कुछ ऐसा ही हाल है, वो तो अपने पिछले देखा जाए तो 5 मुकाबले लगातार हारी है। पहला मुकाबला बांग्लादेश जरूर जीती थी। तो इस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं, अगर हारते हैं तो काफ़ी बुरा रहेगा, जीतना जरूर चाहेंगे इस मुकाबले को। 6 में से 2 मैच जीते हैं, क्या चांसेस अब भी हैं? नहीं, क्योंकि देखा जाए तो ऊपर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 4-4 मैच जीती है, 8-8 पॉइंट है, लेकिन नेट रन रेट की पाकिस्तान अगर बराबरी कर लेती है तो चांसेस उनके पास भी रहेगा, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अपने बचे हुए 3 मैच में से कोई ना एक तो एक मैच जीत ही लेगी और वहां से उनको क्वालिफाई करना तय है। तो पाकिस्तान के लगभग सफर खत्म है, लेकिन पाकिस्तान खेल बिगाड़ सकती है बाकी टीमों का, वो आप सोचेंगे कैसे। तो आपको बताएं, पाकिस्तान का अगला मैच 4 नवंबर को न्यूजीलैंड के साथ है, उनको हरा सकती है, अगर हराती है तो बहुत अच्छी तारीफ होगी। फिर उसके बाद पाकिस्तान का अगला मैच अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के साथ है, तो इंग्लैंड भी तो वैसे ही बाहर हो चुकी है, तो ये 2 मैच कहीं ना कहीं बचेंगे। फिर इसके बाद पाकिस्तान के जहां से इनको ज़्यादा कुछ सफलता हाथ लगनी नहीं है। फिर अगर दूसरी तरफ देखी जाए गेंदबाजों के मामले में, तो शाहीन अफरीदी की हर तरफ तारीफ हो रही है, जैसा कि हमने आपको बताया 7 मैच में इस खिलाड़ी ने 16 विकेट चटकाए हैं, और इकोनॉमी रेट बाकी सब गेंदबाजों से बेहतर है, बल्कि बुमराह का सबसे बेहतरीन है, लेकिन शाहीन अफरीदी ने सबसे अच्छी गेंदबाजी एक तरीके से पाकिस्तान की तरफ से की है, निराश नहीं किया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए यह अब तक का वर्ल्ड कप रहा है। तो इस मुकाबले को देखा जाए बांग्लादेश का, बांग्लादेश के लिए भी इज्जत बचाने का काम है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया अफगानिस्तान ने सबको इस बार चौंका दिया 3 मैच जीतकर। पहली बार वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान 3 मैच जीती है और इनकी तारीफ हर तरफ हो रही है, ऐसी कुछ उम्मीद बांग्लादेश की टीम से थी, क्योंकि काफ़ी पुरानी टीम हो चुकी है, उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ऐसा मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में देखा जाए तो एक मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ जीती थी, और जो इनका एक मुकाबला था नीदरलैंड से वो 81 रन जीती थी। तो इस तरीके से इन्होंने अब तक का वर्ल्ड कप का सफर तय किया है, लेकिन बाबर आजम कप्तानी पर काफ़ी सवाल निशान खड़े हुए हैं। हो सकता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव कप्तानी में हो, क्योंकि पहले ICC T20 वर्ल्ड कप, फिर एशिया कप, उससे पहले भी एशिया कप का फाइनल गंवाना, तो पिछले 3-4 सालों में काफ़ी मौके बाबर आजम ने अपनी कप्तानी बनाए, लेकिन उन्हीं मौक़ों को अपने सामने गंवाते भी नजर आए। तो पाकिस्तान की टीम के लिए काफ़ी बुरा रहा जिस तरीके से हालात रहे, लेकिन इन्हीं हालातों से आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान की टीम जरूर कुछ ना कुछ बदलाव सोच रही होगी, लेकिन देखते हैं बांग्लादेश के खिलाफ कैसे ये चेस करती है 205 रन का स्कोर। आपको क्या लगता है कि इस चेस में कौन सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान देगा, क्योंकि 204 ही बनाने हैं और इतना बड़ा स्कोर है नहीं, 300 गेंदों में 205 बनाना हो आपको तो आसान हो जाता है काम। बाकी देखते हैं क्या कुछ रहेगा यहाँ पर आगे का सफ़र। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।